दोस्तों नमस्कार, घरेलू चिकित्सक चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं विभिन्न प्रकार के घरेलू नुस्खे आपको प्रतिदिन बताता रहता हूं, जिससे कि आप घर पर रहकर ही अपना इलाज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गठिया या यूरिक एसिड को आप किस तरह से घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आज मैं आपको दो उपाय बताऊँगा, उन दोनों उपायों में से आप किसी एक उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एकदम ना छोड़ें, क्योंकि धीरे धीरे आपकी दवाई छूटेगी। इस नुस्खे का प्रयोग आप करते रहें और दवाई का उपयोग भी करते रहें, फिर कुछ दिन उपयोग करने के बाद आप अपना यूरिक एसिड टेस्ट कराएं, तब आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो चुका है। तो दोस्तों पहला नुस्खा यह है कि आपको लेने हैं बेथुए के पत्ते। बेथुए के पत्ते का जूस निकालना है और उसका सेवन सुबह के समय करना है खाली पेट, और उसके दो घंटे तक आपने कुछ भी नहीं लेना है, तो धीरे धीरे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होने लगेगा। आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल लंबे समय तक करना होगा। और दोस्तों दूसरा उपाय है, दूसरा नुस्खा यह है, आपको पारिजात वृक्ष की पत्तियां लेनी है, जिसको कि हारसिंगार या फिर देव वृक्ष भी कहते हैं, आप जानते होंगे। उसकी 5-10 पत्तियां लेनी है और उसको बारीक पीसकर आपको एक गिलास पानी में अच्छी तरह से उबालना है, और तब तक उबालना है जब तक कि वो पानी आधा रह जाएगा, और उसका सेवन आपको सुबह के समय नित्य करना है। आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल 2-3 महीने तक लगातार करना है, और उसके बाद आप 15 दिन का गैप दे सकते हैं, और उसके बाद फिर से 2-3 महीने तक ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका यूरिक एसिड नॉर्मल होने लगेगा और आपकी दवाई भी धीरे धीरे छूट जाएगी। दोस्तों वैसे तो इसके कई सारे उपयोग हैं, लेकिन आज मैंने गठिया के लिए इसका उपयोग आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और आगे भी मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत